कल बहुत सारे लोग अपनी कुछ गलतियों की वजह से वेबिनार के अंदर अटेंड नहीं हो पाए, तो कुछ उस वेबिनार के अंदर अटेंड नहीं हो पाए और कुछ लोग अटेंड हो गए, तो उनको कुछ और ज्यादा मतलब कुछ अलग प्रकार की दिक्कतें आने लगी। तो आज कुछ गलतियां जो है आप ना करो, इसके लिए मैं आपको जो है मीटिंग शुरू होने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं, उनको आपको खास तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो याद रखनी है कि आपका जो ओमेल आईडी है वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही होता है, क्योंकि मुझे एक रात को कल कॉल आई थी, वो भी वीडियो कॉल करके, फिर उन्होंने पूरा सब कुछ देखा, वो वेबिनार के अंदर एंटर नहीं हो पा रहे थे जबकि लिंक आ चुकी थी। तो जब उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया तो उनका जो ओमेल आईडी का पहला लेटर था वो कैपिटल बना हुआ था, तो वहां पे खुद वो एक्साइटमेंट में आकर के गलती कर रहे थे। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले चीज, ज्यादा हाइपर ना हो, मतलब ज्यादा मोर एक्साइटेड ना हो, जिससे कि ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है तो माइंड सही तरीके से काम नहीं करता है। तो वहां पे आपका जो ओमेल आईडी है वो स्मॉल लेटर्स में ही रहेगा। जी हाँ, ध्यान रखना, स्मॉल लेटर्स में ही रहेगा और शुरू से लेके आखिर तक @omail.ai तक आपको वहां पे फिल करना है। उसके बाद नीचे बहुत सारे लोग कल मुझे जो वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे तो वो अपना इकोसिस्टम का पासवर्ड बार बार डाल रहे थे, तो आपको इकोसिस्टम का पासवर्ड नहीं डालना है। हमारे बैक ऑफिस में जो पासवर्ड आएगा उसको वहां पे फिल करना है। पहली चीज ये है, जैसे ही आप उसे फिल कर देंगे, तो जैसे ही फिल करेंगे आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप इकोसिस्टम के अंदर एंटर हो जाएंगे, ओ कनेक्ट इकोसिस्टम में। जी हाँ, किसमें? ओ कनेक्ट इकोसिस्टम में एंटर हो जाएंगे। अब आपको वापस उसी टैब पर वापस क्लिक कर देना है, यानी कि जहां हमारा बैक ऑफिस का लिंक लिखा, बैक ऑफिस में जो लिंक दिया हुआ है, वापस हमें उसी बैक ऑफिस वाले पेज पर आ जाना है। उसको ऐसा ही खुला छोड़ दो, इकोसिस्टम वाले पेज को खुला छोड़ दो। उस बैक ऑफिस में आकर के उस लिंक को फिर से दोबारा से क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आपके सामने वो स्क्रीन आएगी जो हमारे ओ कनेक्ट वेबिनार से कनेक्टेड है, यानी कि सभी लोग उसमें ज्वाइन हो रहे हैं, सभी लोग दिखाई देंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई। तो यहां पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसी गलती की वजह से आप एंटर नहीं हो पाते हो। अभी जो वेबिनार हुआ था तो कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं यहाँ पे कि हमारा डाटा बहुत ज्यादा जा रहा है। डाटा का मतलब उनका 1 GB है, 2 GB, 1.5 GB डाटा जो डेली का मिलता है वो पूरा का पूरा जा रहा है 2 घंटे में ही। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, जैसा कि हमारे एस सर भी और हमारी टेक्निकल टीम भी जो है कई बार बता चुकी है, हमारी जो वीडियो क्वालिटी है वो 4K है। 4K का मतलब ये होता है कि हाई डेफिनेशन से भी लगभग 4 गुनी ज्यादा। जी हाँ, हाई डेफिनेशन मतलब 1080 पिक्सल से भी 4 गुनी ज्यादा हमारी 4K पिक्चर क्वालिटी है। तो जितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी होगी उसमें आपका क्या होगा, डाटा ज्यादा जाएगा ही जाएगा। अगर आप एक मूवी डाउनलोड कर लेते हैं अपने YouTube से करें या अपने वेबसाइट पे जाके करें, तो आप देखिए कि कुछ वही मूवी 1 GB की होती है, वही मूवी 500 MB की होती है, वही मूवी कभी कभी 2 GB की भी होती है। फर्क क्या होता है? फर्क होता है सिर्फ और सिर्फ पिक्सल्स का, यानी कि कुछ हाई डेफिनेशन में है, कुछ 3 GB में है, कुछ 720 पिक्सल्स में है, तो कुछ 1080 से भी ज्यादा पिक्सल्स में है, तो ये उसका फर्क पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे डाटा ज्यादा जाएगा ही जाएगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है कि हमें नई टेक्नोलॉजी वाले जो फोन्स हैं या हमारे लैपटॉप्स हैं उनको आपको इस्तेमाल करना है। अब कुछ लोगों के पास बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के या पुराने लगभग 1 साल पुराने या 2 साल पुराने या 3 साल पुराने मोबाइल फोन आज भी वो लोग चला रहे हैं और उसी पे ही मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो वहां पे उन लोगों को ये दिक्कत आ रही है, इसलिए उनका डाटा ज्यादा जा रहा है। अब आपका मोबाइल है केवल 1 GB रैम का या 2 GB रैम का, जबकि आज की डेट में मोबाइल चल रहे हैं 8-8 GB रैम वाले, तो यहाँ पे आपकी जो ज्यादा रैम वाला जो मोबाइल फोन होगा वो उसकी स्पीड सही मिलेगी आपको, वहां पे उसकी बफरिंग करने की स्पीड आपकी सही मिलेगी। तो इसलिए ये मोबाइल फोन की कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड कर लेता है। तो यहाँ पे आपका डाटा ज्यादा जाएगा पुरानी टेक्नोलॉजी या पुराने, अगर आपके फोन है पुराने जमाने की फोन है, आई मीन पुराने जमाने का मतलब 1 साल 2 साल 3 साल पुराना फोन है, तो आप उसमें देखिए कि कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। कॉन्फ़िगरेशन का भी उसमें सबसे बड़ा रोल है। वेबिनार में एंटर होने का सही तरीका जो मैंने अभी पहले बताया था, यही सही तरीका है। जी हाँ, बिल्कुल यही सही तरीका है। ओमेल आईडी डालने के बाद में आपको अपना इकोसिस्टम का पासवर्ड नहीं डालना है। कंपनी हमें पासवर्ड दे रही है हमारे ओ कनेक्ट को कनेक्ट होने के लिए, उसका पासवर्ड डालना है। जैसे कि कल पासवर्ड था हमारे बैक ऑफिस में,
अभी कुछ लोग इकोसिस्टम के आईडी पासवर्ड से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एंटर नहीं हो पा रहे हैं इसी गलती की वजह से। कुछ लोग वेलकम पेज पर पहुंचने के बाद एंटर नहीं हो पा रहे हैं लेकिन म्यूजिक सुनते रहते हैं, यानी कि म्यूजिक जहां पे बनता है कि ग्रीटिंग्स हैं, होस्ट आर वेटिंग फॉर यू, द इस टाइप से जो हमारी जो म्यूजिक बजता है तो वहां तक तो लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो आपको क्या करना है कि वापस हमें बैक ऑफिस में फिर से जाना है और उस लिंक पर दोबारा से क्लिक कर देनी है। जी हाँ, वापस बैक ऑफिस में फिर से जाना है और उस लिंक पर हमें दोबारा से क्लिक कर देनी है। अगर मीटिंग स्टार्ट हो गई होगी तो वहां पे हमारा पूरा का पूरा पैनल सामने खुल जाएगा। साउंड कैसे सुनाई देगी वेबिनार में? जो हमारे वेबिनार है, जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जो एक दूसरे से हम बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ लोगों को आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है। भाई एक कॉमन सेंस की बात है ये। हमारा माइक का बटन लेफ्ट साइड में है अगर आप लैपटॉप पे हैं तो, और अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप वहीं क्लिक करेंगे खाली एरिया में, तो वहां पे आपको दो तीन ऑप्शन मिलेंगे, माइक का, फुल स्क्रीन का और प्ले पॉज का, ये दो तीन ऑप्शन मिलेंगे। तो वहां पे जो माइक का ऑप्शन होता है वो कटा हुआ होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा वहां से, तो इसीलिए आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो एक सिंपल सा एक कॉमन सेंस की बात है, वहां पे आपका माइक का बटन ऑफ है, उसे ऑन कर लेना है। और टोटल पार्टिसिपेंट किस ऑप्शन पर दिखता है? देखिए, टोटल पार्टिसिपेंट की ऐसी बात है कि यहाँ पर जो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं, जो होस्ट होते हैं, वो यहाँ पर अपने पार्टिसिपेंट को देख सकते हैं। वैसे अगर हमारी मीटिंग जो है, जैसे हम जूम पे करते हैं 50 लोगों की या 100 लोगों की, तो उसमें संख्या दिखाई दे जाती है, लेकिन जब हजारों की तादाद में हम जूम पे भी मीटिंग करते हैं तो हम वहां पे कुछ ऑप्शंस को जो है हाइड कर देते हैं, और वहां पे हम कुछ ऐसे लोगों को हम शो करते हैं जो कि हमारे कंपनी से जुड़े हुए खास खास लोग होते हैं, को होस्ट होते हैं या होस्ट होते हैं, या कुछ हमारे एलसी मेंबर्स वगैरह होते हैं, या कुछ खास लोगों को हम वहां पे कर देते हैं। तो यहाँ पे ओ कनेक्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाइड और अनहाइड आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप हाइड अनहाइड, स्पीकर पैनल है, होस्ट पैनल है, अटेंडीज पैनल है, को होस्ट पैनल है, इनको आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। जिसको आप शो करना चाहते हैं आप उसे शो करिए। तो यहाँ पे इसलिए हमें वो संख्या दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम तो एंटर हो चुके हैं ना। हम बहुत सारे लोगों को दिखाई दे रहे होंगे लेकिन हम बहुत सारे लोगों को नहीं देख सकते। हम तो दिखाई दे रहे होंगे, वहां 2000 लोग हों या 10000 लोग हों या 20000 लोग हों, हमारी संख्या यानी कि हमारी काउंटिंग तो वहां पर होगी, वो लोग हमें भी देख सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे हों क्योंकि उन्होंने हमको हाइड कर रखा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का आईडी पासवर्ड जो है इनकरेक्ट बता रहा है इसलिए नहीं जुड़ पाए बहुत सारे। इसमें आईडी पासवर्ड इनकरेक्ट की तो कोई बात ही नहीं है, वो आप खुद गलत डालना है आईडी पासवर्ड। आपका जो इकोसिस्टम का आईडी नंबर है, आईडी है, आपका जो ईमेल आईडी है, ओमेल आईडी है, वो आपको सही तरीके से डालनी है। जब आप डेली इकोसिस्टम ऑन कर रहे हो, डेली इकोसिस्टम के अंदर जा रहे हो और आप बराबर फिर से वही डाल रहे हो, तो फिर आपकी क्यों ऑन नहीं हो रही है? अगर ऑन नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपको उस पेज को दोबारा से लॉगिन करना है। उस पेज सब कुछ बंद कर दीजिए, आप दोबारा से उस लिंक पे क्लिक करिए, बैक ऑफिस में जो लिंक आई है उस पर दोबारा से क्लिक करिए, वापस से रीस्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप वही ओमेल आईडी डालिए। उसके बाद भी अगर नहीं खुलता है तो कहीं ना कहीं आप खुद गलती कर रहे हैं। ओमेल आईडी डालने के बाद में आपका पासवर्ड कंपनी ने जो दिया है हमें ओ कनेक्ट में अंदर जाने का, वो हमें पासवर्ड डालना है, ना कि इकोसिस्टम वाला पासवर्ड डालना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक लास्ट में एक चीज और भी रह गई। मोबाइल फोन को बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम मोबाइल फोन पर उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और लैपटॉप पे जो लोग हैं वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज कल मैंने दोनों डिवाइस पर ओ कनेक्ट के अंदर में एंटर हो गया था। दोनों डिवाइस का मतलब मोबाइल फोन पर भी और लैपटॉप पर भी, और लैपटॉप तो ऑलरेडी है ही डेस्कटॉप मोड, और मोबाइल फोन को मैंने डेस्कटॉप मोड में बिल्कुल भी नहीं किया था। हमारा जो नॉर्मल मोड रहता है मोबाइल फोन का, वैसे ही उसी मोड में था, लेकिन फिर भी मैं कनेक्ट हो गया था। तो ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर कि आपका मोबाइल फोन डेस्कटॉप मोड में आप करोगे तभी उसमें एंटर हो पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास दो मोबाइल फोन से, एक मोबाइल फोन से मैंने फोटो भी खींच लिया था और दूसरे मोबाइल फोन में मैं बहुत ही आसानी से कनेक्ट भी हो गया था बिना डेस्कटॉप मोड के। ओके, तो ऐसी कोई भी कंफ्यूजन मत रखना। अगर कोई व्यक्ति कहता है तो वो कुछ नहीं है, वो बिना हम डेस्कटॉप मोड के भी उसमें जा सकते हैं। तो ये कुछ गलतियां जो आप कर रहे थे अब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और समय से अगर आप आ जाते हैं तो उसमें आप एंटर हो जाएंगे। और वेट कीजिए,
जी हाँ, वेट कीजिए जब तक हमारा जो हमारे होस्ट होते हैं वो पार्टिसिपेंट को यानी जो बहुत सारे लोग जितने भी हैं उसमें अलाउ नहीं कर देते हैं। तो जैसे ही अलाउ करते हैं आपका जो पूरा का पूरा पैनल है वो सामने आ जाएगा। थैंक यू सो मच, आई होप आप आज जो है आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे, मेरी यही प्रार्थना है। और आप सही तरीके से बिना एक्साइटमेंट में आकर के बहुत बहुत इत्मीनान के साथ तसल्ली के साथ अपने वो कनेक्ट को यूज करिए, उसमें आप एंटर हो जाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट।